भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का गाना लहंगा लस लस करा था 8 घंटे में 6 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, ये इसका एग्जैक्ट टाइमिंग है। और आपको बता दें, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी ये समय समय पर बता रहा है कि उनका ये सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाना कितना बड़ा मैसिव हिट है। इसके पीछे भाई बहुत लोगों की मेहनत है। अरुण बिहारी जैसे गीतकारों को पवन सिंह को धन्यवाद कहना चाहिए, साथ ही साथ पवन सिंह को रत्नाकर कुमार और रत्नाकर कुमार को भी पवन सिंह को थैंक्स कहना चाहिए। लेकिन स्पेशल थैंक इन्हें किसे कहना चाहिए? स्पेशल थैंक्स इन्हें खेसारी और अक्षरा को करना चाहिए। जी हाँ, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की गई पवन सिंह के खिलाफ, उनके स्टार्डम के खिलाफ, साथ ही साथ वो जिस तरह से अनप्रोफेशनल हैं, लोगों से बहुत रूड रहते हैं, न जाने क्या क्या पवन सिंह के खिलाफ कहा गया। इन सब चीज़ों को पवन सिंह को थैंक्स कहना चाहिए। वैसे भी हिंदू धर्म में अपने विरोधियों को धन्यवाद कहने की बहुत पुरानी परंपरा है। आप हमारे धर्म ग्रंथों को उठाकर देख लें, वहाँ भी पहले निंदकों को प्रणाम किया गया है कि भाई अगर वो निंदा न करते तो आज हम इतने बेहतरीन न होते। तो इसलिए इन्हें भी थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि भाई इस दिन पवन सिंह के अगर ये इतने ही चहेते होते, ये हमेशा कहा करते हैं कि भाई हम तो अपने तरफ से पवन सिंह के खिलाफ दिल में कुछ नहीं रखते, लेकिन पवन सिंह ही ऐसे हैं जो हमारे खिलाफ दिल में बहुत कुछ रखते हैं। तो भाई अगर वो दिल में उनके खिलाफ कुछ नहीं रखते, तो ये दोनों इसी दिन गाना सेम टाइम पे जब पवन सिंह का रिलीज़ हो रहा है उसी वक्त अपने फेवरेट चैनलों से गाना क्यों रिलीज़ करते? अक्षरा का वैलेंटाइन डे गाना आपने तो देखा ही होगा, उसका भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना। 13 घंटे में 1 लाख लोगों ने इस गाने को देखा भाई। और दूसरा गाना खेसारी लाल यादव का 13 घंटे में 2.7 मिलियन लोगों ने देखा। और अब आपको बता दें कि पवन सिंह का गाना जो कि 8 घंटे में 60 लाख लोगों ने देख लिया है। जी हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। खैर, आगे हम आपको और भी कुछ बताने वाले हैं, आपको ये बताने वाले हैं कि ये दोनों आज कहीं ना कहीं अपना सर पीट ही रहे होंगे कि कहाँ से हमने फिर से बहुत बड़ा पंगा ले लिया पवन सिंह के साथ। और यकीन मानिए, इन सब चीज़ों से भी जी नहीं भरेगा तो आप लिख के लीजिए, कल या परसों तक एक भयंकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाएगी और कहा जाएगा इनका जो गाना है वो पवन सिंह ने ही फ्लॉप करवाया है। खैर, वैसे भी हम आपको कहेंगे कि खेसारी का गाना जो है वो हिट गानों में है। उस गाने ने 3 घंटे में 1.2 मिलियन व्यूज़ हासिल किया है, जो कि बहुत बड़ा व्यूज़ है। और जब आप अपने कंटेम्प्ररी के साथ कोई गाना रिलीज़ करते हैं तो इतना व्यूज़ आना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे खेसारी के लिए तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अक्षरा सिंह के लिए ज़रूर कहेंगे, क्योंकि अक्षरा सिंह का गाना 13 घंटे में सिर्फ 1 लाख लोगों ने देखा है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। और उनके चैनल पे सब्सक्राइबर की संख्या भी कम नहीं है, उसके लिए उन्होंने इसका प्रचार भी किया था। लेकिन क्या हो गया, न जाने क्यों अक्षरा सिंह का ये सॉन्ग नहीं चला। लेकिन खैर, यहाँ पे फ़िलहाल पवंस के फैन सेलिब्रेट करें भाई, उनके लिए तो होली में ही दिवाली है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।